दोस्तों, आज मैं आपको जो ये देखिए, जो ये पौधा है, ये बहुत बहुमूल्य पौधा है। ये पहाड़ों में, जो हमारे पहाड़ों में होता है, और इसका यूज होता है जो गठियाबाद होता है, किसी को पेट में दर्द है, कब्ज़ वगैरह है, उसमें भी यूज होता है। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और सब्ज़ी के रूप में खाया जाता है। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर भी है, उसमें भी यूज होता है। इसका ब्लड प्रेशर भी इससे कम नॉर्मल रहता है, और जो है कई चीज़ों में, किसी को भूलने की बीमारी होती है, भूलने की याददाश्त भी तेज़ करता है। ये पौधा बहुत बहुमूल्य है, इसको कहते हैं गेठी। ये गेठी जो है पहाड़ों में बहुत होती है, और ये बेल रूपी पौधा होता है। ये देखिए, मैं पिछले साल इसको मार्केट से लाया था, तो इसमें 2-4 महीने इसको रख दिए थे कि इसको मैं ग्रो करूँगा करके, और किस गमले में ग्रो करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रो करना है। तो ये ऐसे देखिए, मैंने ऐसे रखा था ये मार्केट से लाकर। ये देखिए, इसमें जो ये इतनी लंबी है, जो अंकुरण निकल रखा, ये इतना हो गया है। मैंने एक खाली ऐसे रखा था, कहीं टोकरी में रखा था। ये टोकरी में देखिए, इसमें इतना अंकुरण हो गया है। मैंने इसको ना मिट्टी में लगाया, ना इसमें पानी डाला है। तो अब इसको हम ग्रो करेंगे। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसे ग्रो होगा ये, और किस तरीके से लगाना है, मैं इसको बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले, जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करें। कई लोगों को जो बीमार रहते हैं या कोई बीमारी है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको अगर ये पौधा कहीं से मिल जाता है, या पहाड़ों में कभी आए घूमने तो मिल जाएगा, तो आप ये पौधा अपने वहाँ लगा सकते हैं। ये कहीं भी हो जाता है, कैसे भी क्लाइमेट में ये पौधा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम देखते थे कि पहाड़ों में या कहीं जंगल में कोई कंदमूल हो रही है, या कोई जैसे कोई भी चीज़, अगर पहाड़ों में जंगली चीज़ हो रही है, तो उनमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, औषधि गुण वाली होती हैं। उसमें से एक ये भी है गेठी। गेठी का रूप भी, गेठी का जो पौधा है, ये भी औषधि के रूप में यूज होता है। इसकी जो है कई लोग सब्जी बनाते हैं इसकी। ये बेल बेल रूपी होता है, और ये बेल रूपी जैसे हमारे ककड़ी, खीरा या कोई लौकी वगैरह होती है, उसी प्रकार से ये भी बेल टाइप का होता है। या जैसे मनी प्लांट होता है आपका, बेल रूपी होता है ऊपर को, उसी प्रकार से होता है। इसमें ये जो फल हैं, ये लगते हैं, इन फल की सब्जी बनाते हैं कई लोग, और कई लोग इसको जैसे पानी में उमाला उमाल के इसको खाते हैं छिलके। तो इससे जो है, ये बहुत पौष्टिक भी होता है, और कई बीमारियों में इसका इलाज के लिए प्रयोग भी होता है। पहाड़ों में पहले यही चीज़ें चलती थी बीमारी से इलाज के लिए। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे लगाना है। इसके लिए आप जैसे कोई भी नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए आप, ये क्योंकि ये जंगली पौधा है, ये कहीं भी हो जाता है। इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए। अभी मैं इसको छोटे उस पॉट में लगा रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ये बरसात तक इसमें फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें जड़ें पकड़ लेंगी, तो इसको हम बड़े पॉट में लगा देंगे। तो इसको हम देखिए, जैसे छोटे पॉट में लगा रहे हैं, इसमें इस तरीके से लगाकर इसमें मिट्टी भर देंगे। जंगली पौधा है, कैसी भी मिट्टी में हो जाएगा। अब मेरे पास घर में जो ये रेतीली मिट्टी है, थोड़ी इसमें लगा देता हूँ, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसमें खाद देनी है या इस टाइप के कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जंगली पौधा है, ये कैसे हो जाएगा। थोड़ी सी खाद भी आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ डाल देंगे, तो उससे ये ग्रोथ कर लेगा और अच्छे इसमें फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको लगा दीजिए, और कहीं कहीं भी रख दीजिए। ये छाया वाली जगहों में रखें, या चाहे धूप वाली जगहों में, ये कहीं भी ग्रो हो जाएगा। और इसको किसी के सहारे, इसको बांध के, ऊपर को चढ़ने वाली बेल है, इसमें कहीं लगा दीजिए। और इसमें रोज़ भी पानी नहीं डालेंगे, हफ्ते में एक दिन भी डालेंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी करें, क्योंकि कई लोगों को जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो डॉक्टरों से भी सही नहीं होती हैं, तो ये जो पौधा है, इसकी अगर आप सब्जी खाएं या उबाल के खाएं, तो इससे जो आपकी कई बीमारियां दूर हो जाएंगी।